ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरयेत् नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय नारायण ऋषि जी की जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय महाभागवत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर पे मनंते हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल। आज की इस श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में आप सभी भक्तों का और माताओं का सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज। ये दो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के जो हम सभी ये पीछे दोहराते हैं आप सभी। इसका अर्थ है कि नारायणम नमस्कृत्यम, मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। नरम चैव नरोत्तमम, जो सारे नरों में सारे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो देविम, उन नर नारायण ऋषि जी को मैं प्रणाम करता हूं। और देविम सरस्वतीम व्यासम, और मैं माता सरस्वती को, जो विद्या की देवी है सरस्वती माता, उनको नमन करता हूं। और भगवान वेद व्यास जी को नमन करता हूं जिन्होंने ये सब वैदिक साहित्य हमें प्रदान किया, जिसका सार रूप में ये श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत हो। मैं उनको नमन करता हूं, शिला व्यास देव जी को। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्, और इनकी कृपा से ही हम भगवद तत्व को समझ पाएंगे। और अगर कोई नित्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन और श्रवण करता है तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके जीवन से सारे अभद्र अमंगल दूर हो जाते हैं। जो भी किसी भी तरह के अमंगल हैं, अशुभ हैं जीवन में, श्रीमद् भागवत का नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करने से, अध्ययन और श्रवण करने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके, और वो श्रेष्ठ जो भक्ति है जो उत्तम श्लोकों के द्वारा
इन दिव्य श्लोकों के द्वारा जो भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति जो बताई गई है वो भक्ति हृदय में भगवान की अनन्य भक्ति स्थापित हो जाती है उसके हृदय में। अगर नियमित कोई श्रीमद् भागवत का अध्ययन और श्रवण करे तो ये इसका अर्थ है। इसलिए मैं चाह आप सबको भी दोहराने का कि आपको भी ये श्लोक आ जाए कि कभी भी हम भगवान को प्रार्थना या भागवत का अध्ययन करें श्रवण तो पहले भगवान नारायण को नारायण ऋषि जी को विद्या की देवी सरस्वती माता को भगवान वेद व्यास जी को नमन करके और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण शुरू करें अध्ययन शुरू करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघन अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरु देवन के देव आर ना कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। गुरु बड़े गोविंद से व्यास ही दियो बताए तन मन गुरु को सौंप के चरणन रहूं समाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े गोविंद दियो बताए। श्री गुरु महाराज की जय। जगदूशला प्रभुपाद महाराज की जय। तो ये प्रसंग जो चल रहा है श्रीमद् भागवत का जिसमें पहले जो वर्णन आया था इसमें वर्णन था पहले कि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा भगवान शिला व्यासदेव जी को सुनाई और बताया व्यासदेव जी को किस तरह से मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और कैसे मैंने भगवान की भक्ति की किस तरह की जिसके माध्यम से कहा मैं दासी पुत्र ना मैं कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था ना क्षत्रिय कुल में ना वैश्य मैं एक दासी पुत्र था लेकिन वहां से अगला जन्म क्या मिला मेरे को इस भगवान की दिव्य भक्ति के प्रभाव से कि मैं सीधा ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। तो ये है भगवान की दिव्य भक्ति का प्रभाव। और श्रील व्यास देव जी को भगवान नारद जी कहते हैं क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में से नारद जी भी एक अवतार हैं भगवान के कहलाते हैं शक्तावेश अवतार। और जितने बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज जैसे भक्तों के गुरु हैं नारद जी। तो नारद जी के चरणों में तो हमें निरंतर नमन प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करके हमें भी मार्गदर्शन दें। और इस श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जिसमें हम चल रहे हैं इस संप्रदाय में भी भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये दिव्य ज्ञान दिया है उपदेश दिया है। फिर उनसे आगे ये भगवान वेद व्यास जी को और फिर आगे परंपरा श्री मध्वाचार्य जी जो दक्षिण भारत में हुए हैं मध्वाचार्य जी कर्नाटका में फिर उन मध्वाचार्य जी से आगे ये परंपरा चलते हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए उन चैतन्य महाप्रभु से होती हुई प्रभुपाद जी तक आए हैं ये। अब प्रभुपाद जी के आगे आचार्यगण इसको पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे। तो नारद जी ने कहा व्यास देव जी को कि आप ध्यान में बैठिए और ध्यान में जो भी आपको अनुभव हो जो भी रियलाइजेशन हो आपको साक्षात्कार हो उसी अनुभव को आपने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखना। अर्थात एक तरह से ये श्रीमद् भागवत कोई सोच कर
या कोई ग्रंथों का अध्ययन करके तब ये टीका या अनुवाद नहीं लिखा गया। ये कैसे लिखा गया है? भगवान वेद व्यास जी ध्यान में बैठे और ध्यान में उन्हें भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ, भगवान का ध्यान में, और उस पर जो उन्हें अनुभव हुए उस आधार पर ये ग्रंथ का संकलन किया गया है, जिसमें ये अध्याय का शीर्षक है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का ये सातवां अध्याय है, जिसका अध्याय का नाम है शीर्षक द्रोण पुत्र को दंड। और इसमें वर्णन है इसी अध्याय के अंदर कि जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है। हमारे जीवन में कई तरह के भौतिक कष्ट आते हैं, जैसे एक ये महामारी भी कष्ट ही है, कोरोना जो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है ये भी एक भौतिक कष्ट ही है। और हम क्या समझते हैं? इन सबको अनर्थ समझते हैं कि हमारे से कोई जीवन में ऐसे पाप हो गए हैं, अपराध हो गए हैं जिनका दंड स्वरूप ये कष्ट है, जो भौतिक कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, अलग अलग जैसा भी कष्ट आते हैं। तो यहां पर सूत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। ये प्रत्यक्ष बिल्कुल साक्षात है कि अगर कोई भगवान की भक्ति के द्वारा, भक्ति योग भगवान की भक्ति के द्वारा उनसे जुड़ जाए, अपने को जोड़ ले भगवान श्री कृष्ण से भक्ति के द्वारा, तो ये सब संसारिक भौतिक कष्टों को कम किया जा सकता है। ये प्रत्यक्ष यहाँ पे भागवत में इस बात का वर्णन है इस अध्याय के अंदर, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते, ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। लोग क्या जानते हैं? नहीं, बीमार हो गए, कोई कष्ट आ गया, चलो डॉक्टरों के पास चलो, चलो दवाइयां खाएंगे, गोलियां खाएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, या फिर चलो किसी ज्योतिषी के पास चलें, किसी पंडित जी के पास चलें, वो हो सकता है हमारा हाथ देखकर बता दे, हमारी कुंडली देख के बता दे कि कहीं पे मेरे से कोई ऐसा कुछ कर्म तो नहीं मेरे सर पे। लोग ज्यादातर इस पर विश्वास करते हैं आज समाज के अंदर। इस बात को यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, अधिकांश लोग जो है इस बात को नहीं जानते कि भगवान की भक्ति योग से प्रत्यक्ष रूप से वो भौतिक कष्ट उसके कम हो सकते हैं। हमने अपना भी उदाहरण आपको पहले सुनाया था कि 103 का बुखार हुआ था करनाल के अंदर, हम गुरु महाराज के दर्शन करने गए और इस हरे कृष्ण मंत्र के 16 वाला जबकि सुबह 103 के बुखार में स्नान करके शब्दों को ऊंची आवाज में सुनते हुए, जैसे ही 16 माला पूरी हुई लगभग 15-20 साल तक फिर फीवर नहीं आया बुखार शरीर को। तो ये भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कलयुग का एकमात्र तारक मंत्र है, महामंत्र है। भगवान के सभी नाम दिव्य हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान के नामों में और किसी नाम में शक्ति ही नहीं है, सभी नाम भगवान के दिव्य हैं, लेकिन हर युग में जैसे कुछ विशेष होता है, तो इस युग के अंदर कली संतरण उपनिषद में भगवान व्यासदेव कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है इस कलयुग का तारक मंत्र है। ये शास्त्र बता रहे हैं हमारे वैदिक ग्रंथ। और फिर इसको व्यवहारिक रूप में लगभग 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में इस महामंत्र के द्वारा लोगों को भक्ति में लगाया। और फिर इसी महामंत्र से लगभग 1966 से आप समझ सकते हैं अभी मतलब 60-70 साल पहले ही गए प्रभुपाद जी ने इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से पूरी दुनिया में रहने वाले उन लोगों को, चाइनीज क्या, जैपनीज क्या, जर्मन लोग क्या, फ्रेंच क्या, यूरोपियन क्या, मुस्लिम क्या, सभी को भगवान की कृष्ण की भक्ति में लगा दिया इस महामंत्र से और इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के इस माध्यम से सनातन धर्म में। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए, शास्त्र की बात जो है अक्षरशः एक एक अक्षर सत्य है, कोई भी काल्पनिक या बनावटी नहीं है। फिर भी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमें ही कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर हम भगवान की बताई इन बातों को अगर हम विश्वास करके हम
करके तो देखे। गुरु महाराज जैसे कहते हैं ना, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है, यही करामात है जी, यही करामात है। फिर गुरु महाराज, धन्ने ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई। ये धन्ना जाट हुआ पंजाब के अंदर, पहले हरियाणा पंजाब एक ही होता था, तो धन्ना जाट हुआ, इसने भगवान का नाम लेके श्री कृष्ण का, उसकी मुक्ति हो गई। धन्ने ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई, जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई, उसकी हाँ हो गई। तो गुरु महाराज कहते, कई बार लोग कह सकते जी हमने तो धन्ने जाट को देखा नहीं, हम कैसे माने। तो इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं फिर आगे, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, कि आप खुल करके देख लो ना, उनका नाम लेके देखो तो सही, एक बार भगवान कृष्ण का भगवान राम का देखिए, अनुभव खुद हो जाएगा। यही करामात है जी, यही करामात। तो यही बात यहां पर भी शलसूत गोस्वामी जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, उनके द्वारा प्रश्न करने पर, कि जब नारद जी चले गए बद्रिकाश्रम से, तो उसके बाद में भगवान वेद व्यास जी ने, शिल व्यास देव जी ने क्या किया, तो व्यास देव जी ध्यान में बैठे और ध्यान में उनको भगवान का दर्शन हुआ और फिर इस दिव्य ग्रंथ का उन्होंने लेखन किया, संकलन किया, जो सारा अभी तक वेद पुराण उपनिषद जो लिखे थे उससे सब सार रूप में ये लिखा है ग्रंथ, और ये उनका आखिरी संकलन है, इसके बाद उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इससे पहले ही महाभारत और सब ग्रंथ, जिसमें गीता भी उसी में महाभारत का ही एक अंश है, ये सब ग्रंथ लिख चुके थे, चारों वेद और पुराण उपनिषद वेदांत सूत्र सब पहले संकलन कर चुके थे व्यास देव जी, ये आखिरी ग्रंथ लिखे, अर्थात सबका सार लिखा एक तरह से प्रस्तुत किया। यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को जो नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए थे, इस कलयुग के जो आगे कलयुग शुरू होने जा रहा है, कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 1,000 वर्षों तक एक यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन वो यज्ञ क्या किया, ये श्रीमद् भागवत का इसमें चर्चा शुरू की। तो शौनक ऋषि जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, फिर इसी में प्रसंग जो है परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, और इसी में वितुर जी प्रश्न कर रहे हैं, मैत्र ऋषि जी उत्तर दे रहे हैं, बीच बीच में ये प्रसंग आते जाएंगे। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे जानते नहीं है, भक्ति योग कितना प्रभावशाली दिव्य है, यहां तक कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है ये भगवान का भक्ति योग। भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ना, और भक्ति क्या है, जो भगवान राम ने शबरी माता को बताई नवधा भक्ति, और भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताया भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में नवधा भक्ति संबंधित, और इसमें भी वर्णन कर्म भागवत में जगह जगह है इस नवधा भक्ति से संबंधित, जिस नवधा भक्ति के प्रमुख हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण का कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान कृष्ण का स्मरण करना मन के द्वारा, उनका चिंतन करना, फिर पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना, फिर अर्चनम उनकी अर्चना करना, भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की अर्चना करना जैसे मंदिरों में की जाती है, माने इस्कॉन के मंदिरों में प्रभुपाद जी ने जो पद्धति बताई, ये पद्धति किस आधारित, किस पर आधारित है, नारद पंचरात्र से ली गई है, नारद जी ने ये पद्धति बताई है, जो आरती पूजा की पद्धति हम मंदिरों में प्रभुपाद जी ने आगे बताई, नारद जी के द्वारा बताई गई, कि पहले शंख बजाना, शंख से सारी आसुरी शक्तियां जो है वो भाग जाती है, वहां से दूर हो जाती है उस स्थान से जहां पे शंख बजे होता है नाद,
फिर उसके बाद उनको धूप अर्पण करना, फिर उसके बाद धूप के बाद उनको दीप अर्पण करना, फिर उनके अंगों का मार्जन करना जल से, फिर उनको पहुंचना, फिर उसके बाद उनको पुष्प अर्पित करना, फिर उनको चमर और मोर पंख डुलाना, फिर शंख दुबर, ऐसे जो आरती है पद्धति, और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए कर सकते हैं। अपना जहां जहां है घरों में भी इस तरह से नियम बना सकते हैं, एक छोटा सा आरती की थाली बना लें और इस तरह से अर्चन करना, फिर उनको पहले प्रणाम करना, फिर आरती के बाद फिर प्रणाम करना, अर्चन वंदनम उनकी वंदना करना, उनको प्रार्थना करना, उनकी आरतियां गाना, ये वंदना, मंगल आरती, श्रृंगार आरती, शाम को गौर आरती, फिर रात को शयन आरती, और फिर अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिम, फिर दास्य भाव से जैसे सेवा करते हैं ऐसे सेवा करना उनके भगवान, दास्य भाव हृदय में रखते हुए सख्य, और फिर आत्मनिवेदन का मतलब होता है पूर्ण अर्पण कर देना अपने को, सर्वस्व अर्पण भगवान के चरणों, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माता के समर्पित होता है, माता के अलावा नहीं जानता, ऐसे ही घर में जैसे पहले होते थे ठाकुर द्वारे होते थे कि हर घर में जो अपना मंदिर है तो वो ये भाव रखते थे, घर में आना जाना पहले भगवान से जैसे अनुमति लेकर ही घर से बाहर जाना, ये नहीं कि बस जब मन किया बाहर निकल, पहले उनसे अनुमति लेना कि घर के जो स्वामी मालिक है वो भगवान कृष्ण है, राधा रानी है, उनको बताकर उनको अनुमति लेकर फिर घर से जाना, आना तो पहले उन्हें प्रणाम कर उनको, इस तरह से उनको पारिवारिक सदस्य मानकर अपना इस तरह से करना चाहिए। आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति, तो यहां भी श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए विद्वान व्यास देव ने क्या किया, इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिससे हमें भक्ति योग भक्ति की कैसे जाए ये बताने के लिए ही भागवत का संकलन किया गया, श्रीमद् भागवत का। तो जो लोग ईश्वर का रूप अगर नहीं मानते, ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो श्रीमद् भागवत के वास्तव में सार को समझ कैसे सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो पूर्ण रूप से इस बात पर है कि श्री कृष्णाय वयम नुमा, भगवान कृष्ण की मैं कैसे शरण लूं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, भगवान कृष्ण जो है वो जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो अपने उनके अंदर जो परमात्मा है ना वो कभी उनको यथा रूप में एज इट इज उसको स्वीकार न करके अपने मन ग्रंथ अर्थ करते हैं। जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति नहीं मिलती, जब तक उनकी कृपा से मार्गदर्शन, तब तक समझ ही नहीं पाते इस बात को सामान्यतः। तो प्रभुपाद जी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने जब प्रमाणित परंपरा के अंदर इस श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया तो हम समझ पा रहे हैं वास्तव में भगवान कृष्ण क्या है, उनको तत्व से जानना पूर्ण रूप से, उनका सही तात्विक अर्थ समझना कृष्ण क्या, इसलिए भागवत का श्रवण और अध्ययन। जब तक पूर्ण रूप से हम कृष्ण को जान नहीं लेंगे तब तक हमारा मानना जो है ना वो ऐसा ही है जैसे कह सकते हैं गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अभी हम कुछ कह रहे हैं लेकिन फिर कहीं और चल पड़ेंगे, कोई और कहेगा तो उसके पीछे आज यही हो रहा, कोई साईं बाबा के पीछे जा रहा है तो कोई किसी देवी देवता के पीछे, कोई किसी के, कोई किसी को निराकार, मतलब अपने अपने मन से वो हो रहे हैं। क्यों? प्रमाणिक शुद्ध भक्तों की संगति के बिना संभव ही नहीं है। भगवत तत्व क्या है, भगवान वास्तव में क्या है, कैसे उन्हें जानकर उन तक जाए पहुंचा जाए उनकी सेवा में, तब तक ये विषय समझ नहीं आए। तो यहाँ पर इसी विषय को विस्तार से श्री भगवान वेद व्यास जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ पर जो वर्णन है उन्होंने वैदिक साहित्य का संकलन किया वेद व्यास जी ने, इसीलिए कि अधिकांश जन ये जानते नहीं कि भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भौतिक कष्टों को जीवन के कम किया जा सकता है। और ये वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य है जिनका संबंध, जिसका संबंध परम सत्य से है,
उस परम सत्य परमेश्वर से, उन परम सत्य भगवान से जिसका संबंध है वैदिक साहित्य का, कि वो वैदिक साहित्य पर से परम सत्य से हमें जोड़ने के लिए है भक्ति योग के माध्यम से। और आगे सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। अगर ये वैदिक साहित्य अगर हम नियमित रूप से सुनते हैं, जब तक हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान श्री कृष्ण की जब तक अंकुरित नहीं हो जाती, जैसे कोई बीज जब उसको समय समय पर खाद पानी दिया जाए और उसका बड़ा ध्यान रखा जाए तो धीरे धीरे वो फिर अंकुरित होना शुरू होता है, और फिर अंकुरित होकर फिर उसका जब पूरा ध्यान रखे समय पर सब उसका, तो धीरे धीरे बढ़ के फिर वो बढ़कर वृक्ष का रूप धारण करेगी। अगर उसका पूरा ध्यान नहीं रखा, सावधानी नहीं बरती गई, तो कोई भी जंगली पशु या जानवर पशु पक्षी उसे आके उजाड़ देंगे। ऐसे ही भगवान की भक्ति भी ऐसी ही है। अगर हम अपराधों से पाप कर्मों से जब तक हम नहीं बचाएंगे, इस भक्ति करते हुए इनसे नहीं दूरी बनाएंगे, तो परिणाम में हम नाम जब भी करते रहेंगे लेकिन उन्नति नहीं होगी भक्ति मार्ग में। फिर हम सोचें कि हम इतना नाम जब भी कर रहे हैं, सुबह उठ भी रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, सुबह नहा भी रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद भी लग नहीं रहा मेरी उन्नति हो रही, तो उन्नति क्यों नहीं हो रही? इस बात इसका कारण क्या है? इस जन्म के और पिछले जन्म के क्या है चैतन्य महाप्रभु, अपराध प्रचुर मात्रा में अपराध और पाप कर्म है सब, इसलिए हृदय में कृष्ण प्रेम जो है वो कृष्ण भक्ति रूपी बीज जो है ना ही अंकुर, वो अंकुरित ही नहीं हो पा रहा। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति चाहिए जो समय समय पे हमें रेक्टिफाई करें, समय समय पे हमारा सुधार करें, हमें मार्गदर्शन दें, बताएं कहाँ कहाँ कमी रह रही है, उस कमी को दूर करो, अन्यथा उन्नति नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता है मार्गदर्शन की प्रमाणिक गुरु के, भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान कृष्ण से ही चल रही परंपरा में हो, अपना कोई मनगढ़ंत नहीं कि हाँ कुछ ग्रंथों का अध्ययन करके गुरु बन के बैठ जाए, भगवान कृष्ण से लगातार परंपरा में होना चाहिए। और ऐसी चार परंपराएं चल रही हैं सतयुग से आज तक, पहले हम बता चुके हैं इसका, जिनमें से एक ये हमारी ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है, जिसमें भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया ये उपदेश, उनसे आगे परंपरा प्रभुपाद जी तक आ रही है, अब उनके आगे परंपरा चल रही है। इसके अलावा दूसरी है कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्रों को सबसे पहले भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन चार कुमारों को, उनसे आगे चल रही है। फिर तीसरी है श्री संप्रदाय, जिसमें भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, उनसे आगे परंपरा चल रही है। और चौथी है रुद्र संप्रदाय, जिसमें भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान शिव जी को दिया, उनके आगे परंपरा चल रही है। ये चार प्रमाणित संप्रदाय है जब आज तक है धरती पर सतयुग से। तो यहां पर वर्णन है, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति में लगे तो समझो एक साल के बाद अब भक्ति, या पांच साल लग जाएंगे, अच्छा दस साल के बाद, नहीं, तुरंत शब्द है यहाँ पे सूत्र को समझ में, जैसे आप भक्ति में लगे तुरंत वो अपना शुरू कर देंगे, उसी समय अंकुरित होने शुरू हो जाएगा हृदय में प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी जो बीज है वो अंकुरित होने लगे, प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। प्रेमा भक्ति की भावना, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, और उससे परिणाम जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है, जो मन में कई तरह के ये कह सकते हैं कलेश हैं, हर समय मन सशंकित है, कई तरह के मन में दुख या ऐसे कुछ आ जाते हैं विचार, या मोह को, जो हमारा मोह है, आसक्ति है इस संसार के प्रति, और भय, हर समय भयभीत रहते हैं। अब जैसे महामारी फैली तो कैसे लोग भयभीत हैं,
लेकिन जब कर्म करते हैं जब तब विचार नहीं करते। करनी करत क्यों डरत, जब कर्म किया तब विचार ही नहीं किया, क्यों करके पछताए और फिर बाद में पछता रहे। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए, और अगर बबूल का वृक्ष लगाया होगा तो उस पर आम थोड़ी लगेंगे। भगवान ने कितना समय दिया, लगातार समय समय पर भगवान जब समाज के अंदर संसार के अंदर जब इस तरह से बुराइयां विकृतियां पाप, जब कितने पशुओं का पक्षियों के मांस खाए इन संसार में लोगों ने, और उन्होंने कैसी चीतकार की कसाई घरों के अंदर, किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, गायों की बैलों की भर कितने तक सब तरह के पशुओं पक्षियों की। लेकिन आज जब मनुष्यों पर उसका दंड स्वरूप जब पनिशमेंट आए तो परिणाम देखिए कैसे हाहाकार मचा हुआ है। सवा साल से लगभग आज इतने मर गए, आज ऐसा हो गया, आज इतने लाख लोग बीमार पड़े, अपने अपनी काउंटिंग पूरी चल रही है, कितने बीमार पड़ गए उतने बीमार पड़ गए। और जब वो कटे पशुओं को मारा गया उस समय किसी को दंड नहीं समझ इनको समझ आ रहा था उस समय कि कैसे वो करा रहे थे कष्ट के अंदर वो सब पशु पक्षी। अपनी सामर्थ्य से कम एजुकेट तो करें, प्रचार हम संगठित तो करें, ऐसे लोगों को अच्छे की इसको छोड़ने के लिए प्रेरित करें, अपना कर्तव्य तो करना चाहिए ना हमें। जो भी हमारे संपर्क में आते हैं कम से कम उनको मांस मछली अंडा छुड़वाएं, उनको ये सब कर इतना प्रयास ही करना चाहिए कम से कम। भगवान कहते चलो इतने पे भी मैं, अगर जीवन में अब दोबारा वो पाप नहीं करोगे तुम तो इतने पे भी मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। लेकिन जब लोग नहीं समझते तो क्या करें भगवान। पिछले 400 साल में इस तरह से कष्ट हम देख रहे थे, इस तरह से आते रहे। पहले 1720 में आया कष्ट, आया प्लेग फैला, बीमारी फैली प्लेग की, और परिणाम में बहुत लोग मारे गए। फिर 1820 में लगभग फिर दोबारा फिर एक बीमारी आ गई कॉलरा, और उससे कितने लोग मारे गए, लाखों करोड़ों लोग तब मारे गए। फिर 1920 के अंदर दोबारा फिर एक बीमारी फैल गई स्पेनिश फ्लू फैला, उससे फिर कितने लोग मारे गए, और अब फिर 2020 के अंदर अब ये बीमारी फैल गई है कोरोना। लगातार पिछले 400 सालों में जैसे जैसे पतन हुआ समाज का, क्योंकि 500 साल पहले तो महाप्रभु खुद ही थे धरती पर भगवान कृष्ण भक्त के रूप में, उन्होंने इस बुराई से बचाने के लिए खुद ही प्रयास किए, पूरे भारत में भ्रमण करके भक्ति का प्रचार। लेकिन उसके बाद हर 100 साल में अब अगर आप देखें तो हर 100 साल में एक एक कोई ऐसी बीमारी आई और जिसने समाज में ऐसी हालत की कि समाज में होलसेल के अंदर इस धरती का भार कम करने के लिए उन अधर्मी लोगों का जिनसे हुए हैं परिणाम कष्ट आए। इसलिए हमें विचार करना है, कोई समझे ना समझे मुझे समझना है बस, मुझे जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं करना जिससे मेरा भी भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाए। हम सबको इसका विचार करना चाहिए और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि कम से कम मांस अंडा शराब ये चीजें ना लें, और जो भी खाएं भोग लगा कर खाएं, बिना भोग लगे ऐसे नहीं खाएं, और भगवान के नामों का जप करें, भगवान का भगवान की लीलाएं कथाएं। जो भारत देश सारे विश्व का धर्म गुरु था एक लंबे समय तक, सारे विश्व को मार्गदर्शन देता था भगवान की तरफ चलने का धर्म के प्रति, हमारे राजनीति इस पॉलिटिकल लीडरों ने क्या किया पिछले 70 साल के अंदर, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया कि इसका कोई धर्म ही नहीं, और परिणाम उसका देख लीजिए आपके सामने 70 ही साल के अंदर ये हालत हो गई। 70-72 साल ये पॉलिटिकल लीडरों ने धर्म निरपेक्ष का घोषित कर दिया देश को। लेकिन फिर भी हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना है, खुद आचरण करना है और समाज को फिर प्रचार करना है, पहले आचार फिर प्रचार। लेकिन समाज में प्रचार तो हो रहा है, लेकिन कैसा प्रचार सामान्यता हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं प्रचारक जो आचरण नहीं कर रहे लेकिन प्रचार के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसा लेंगे प्रचार के नाम से, भागवत कथाओं के लिए पैसे लेंगे कथाएं करने के, और परिणाम क्या है उनकी वाणी का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा समाज में। देखिए फिर भी विकृति बढ़ रही है घट नहीं रही,
इसलिए हमें निष्काम भक्ति करनी है और फिर संसार के जीवों को भी जो भगवान कृष्ण से ही बिछड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, भगवान कृष्ण की ही संतानें हैं, जिसको गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये सारी आत्माएं मेरी अंश है और सनातन सदा रहने वाली अंश है सब आत्माएं, सभी योनियों में 84 लाख योनियों में है, जो मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पेड़ पौधे घास में सब में। लेकिन मना संस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और 5 इंद्रियां आंख नाक कान जीवा त्वचा, 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 इंद्रियों में क्या है, संघर्ष कर रही है, भोगों के अंदर फंस गई है, विषय भोगों की वासना में, पर मन हटता ही नहीं उन भोगों से, और परिणाम में और अधिक कर्म पाप कर्म कमा रहे हैं। आए थे अपने पिछले पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म और पिछले जन्मों के, लेकिन खेल कुछ और ही शुरू कर दिए हम आगे, फिर भोगों में फंस गए, फिर दोबारा भाई कभी आंखों को सुख देने के लिए कभी फिल्में दिखाएंगे, कभी कानों को सुख देने के लिए फिल्मों के गाने और बेकार की बातें करेंगे, व्यर्थ की बातें जिसमें कहीं भगवान का नाम नहीं है, बिना भोग लगा खाएंगे और शरीर से भोग विलास में लग के अपने पतन का फिर मार्ग तैयार करें। भगवान ने मनुष्य जीवन अवसर दिया और किसी शरीर में ये कार्य नहीं हो सकता, भाव बंधन से छूटने का, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का, लेकिन फिर उलझ गए दोबारा से। तो इसलिए हम में जागृति आए, हम समझ सके इस बात को कि वास्तव में भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति भक्ति योग के माध्यम से ही हम इन सब भौतिक कष्टों से भी, आध्यात्मिक जो उन्नति होगी वो तो होगी ही भगवान के नित्य सेवा, लेकिन भौतिक कष्टों से भी छुटकारा हो जाएगा, ये बात यहाँ पे सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए मैंने ये पिछले ये श्लोक हो चुके थे, लेकिन इसी में से ये 2 श्लोक मैंने इसलिए चर्चा की, इस पे विचार करें इस बात को और गंभीर बने और भगवान के बारे में, भगवान का नाम, भगवान की कथाओं का निरंतर उठते बैठते चलते फिर श्रवण करें, तब तक जब तक हृदय में भक्ति रूपी भगवान कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है वो भाव जो है जब तक दृढ़ ना हो जाए। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा शोक मोह और भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है क्या, वैदिक साहित्य का श्रवण, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की जो भावना है, एक शोक भी हमारा सब दुख दूर हो जाए, शोक दूर हो जाएगा जो मन में रहता है, मोह खत्म हो जाएगा, संसार के प्रति जो आसक्ति है शरीर के प्रति और संसार के प्रति, और भय जो हर समय हम भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं कहीं अचानक समय से पहले कोई मृत्यु ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए मेरे परिवार में, उस भय से भी वो भी अग्नि जो है वो बुझ जाएगी, वो फिर वो कलेश वो कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन हमें पक्के वर्णक समझना होगा, श्रवण करना होगा, यह मुख्य बात है श्रवण। लेकिन कभी अगर श्रवण जिस समय मिला ठीक है, अभी जैसे श्रवण चल रहा है श्रवण और कीर्तन, तो इसके अलावा बाकी समय में हरे कृष्ण मंत्र का मुंह से बोलें और कानों से श्रवण करें, भगवान की कथा को बोल बोल के पढ़ें, उससे श्रवण हो सकता है, या निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का उठते बैठते सब कार्य घर के करते हुए महामंत्र का उच्चारण कीर्तन करते हुए जप करते हुए करें तो ये श्रवण और कीर्तन हो जाए, ये भी तरीका है, हम ऐसे कर सकते हैं श्रवण कीर्तन। तो अब आगे जो प्रसंग है कि जिस समय में कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के अंदर जब लगभग योद्धा मारे गए और भीम जी ने क्या किया, दुर्योधन का मेरुदंड जो है वो तोड़ दिया, जो हड्डी है बीच कमर, ऐसा प्रहार किया कमर के नीचे की वो हड्डी जब टूट गई और वो तड़पता हुआ छटपटाता वो जमीन पर गिर पड़ा दुर्योधन, तो अश्वत्थामा जो उनका मित्र है दुर्योधन का, या उसको अपने स्वामी की तरह मानता है क्योंकि दुर्योधन से ही उसकी आवश्यकताएं पूरी होती थी, द्रोणाचार्य जी का पुत्र जो है, तो उसने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मूर्खता क्या की, एक जघन्य पाप कर दिया,
पांडवों के जो पुत्र हैं उन पांचों बालकों को उसने कर्तने काट दिए उनके सोते हुए, और उसको एक थाल में सजा के दुर्योधन के पास लाया ये सोचकर कि दुर्योधन प्रसन्न होगा। लेकिन जब दुर्योधन ने ये देखा तो उसने धिक्कारा उसको कि ये कैसा जघन्य पाप कर दिया तूने, कि आगे जो वंश जब तक दुशत्रुता हमारी आपस में अगर थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके तो बच्चों का ही वध ऐसे करा। दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन अब अश्वत्थामा को भय सताने लगा। जैसे ही माता को पता चला, द्रौपदी माता को, कि मेरे पांचों पुत्रों का वध कर दिया है अश्वत्थामा ने, द्रौपदी माता फूट फूट के रो पड़ी। तो अर्जुन जी जो है उन्होंने ये संकल्प किया, द्रौपदी को कहते हैं कि मैं अब जब तक अश्वत्थामा का शीश काट के नहीं ले आऊंगा तब तक मैं तेरे आंसू, तभी आकर तेरे आंसू पोंछूंगा। और तब तो इनका संस्कार करना, अग्नि संस्कार अपने पांचों पुत्रों का, और फिर उसके सिर के ऊपर खड़ी होकर स्नान करना। तो भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन चल पड़ा, और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन को आते हुए तो अपनी जान बचाकर ऐसे भागा, जैसे वर्णन है यहाँ पर, जैसे एक बार ब्रह्मा जी शिव जी से अपनी जान बचाकर भाग गए, जिसका पिछले वर्णन किया था कि ब्रह्मा जी एक बार अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे, जब शिव जी ने यह देखा तो शिव जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल लेके मारने के लिए भागे, तो ब्रह्मा जी वहां से जान बचा के भागे। ऐसे ही अश्वत्थामा अर्जुन जी को जब देखा आते हुए गांडीव लिए हुए, धनुष लिए हुए, तो अपनी जान बचा के वहां से भागा। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र या आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। अब जब देखा कि घोड़े भी थक चुके हैं भागते भागते अश्वत्थामा ने, तो परिणाम अपनी जान बचाने के लिए उसने मूर्खता क्या करी, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जो एक तरह से परमाणु बम जैसे, अगर परमाणु बम कहीं गिर जाए तो कई किलोमीटर के एरिया के अंदर सब कुछ तबाह कर देता है, सब खत्म हो जाता। और ये केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है, ये ब्राह्मण की समझ नहीं है, इसलिए यहाँ पर संबोधन दिया है अश्वत्थामा के लिए ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण का पुत्र। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के पास समझ होती है सही समय पर सही निर्णय लेने की। ये सही निर्णय नहीं है कि अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए, और वो भी तब जब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता है लेकिन वापिस लौटाना नहीं आता है उसको ब्रह्मास्त्र। तो ऐसे में चूंकि उसके प्राण संकट में थे अश्वत्थामा के, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया, क्योंकि कोई भी जब इस तरह का अस्त्र या शस्त्र छोड़ा जाता है तो जल के स्पर्श करके पहले शुद्धिकरण किया जाता है, तब उसके बाद कोई भी मंत्रों का ऐसे उच्चारण किया जाता है, आवाहन किया जाता है। तो अश्वत्थामा ने जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रों उच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया, अपने ध्यान को एकाग्र किया मंत्रों का उच्चारण करने में। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी, तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। इतना भयानक अस्त्र था कि समस्त दिशाओं में एकदम प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अर्जुन भी एक बार के लिए लगा कि मेरे प्राण अब चले जाएंगे, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। देखिए अर्जुन को कोई संशय नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति। अर्जुन क्या कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान, आपसे बढ़ के कोई शक्तिशाली नहीं है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, कोई देवी देवता आपसे महान या श्रेष्ठ नहीं है, चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र हो, चाहे चंद्र हो, चाहे सूर्य, कोई नहीं, परमेश्वर है आप सर्वशक्तिमान, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है,
आपकी शक्तियों कोई सीमा नहीं है कोई भी तरह। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। अगर आपके भक्त कभी किसी परिस्थिति में कभी भयभीत भी हो जाएं, तो आप उनको अभय प्रदान कर सकते हैं, निडर हो जाए वो आपके उनके हृदयों में, ऐसा आप विश्वास, ऐसा आप भय दूर कर सकते हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं, केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने विचार करने वाली बात, अर्थात कोई और रास्ता नहीं है मोक्ष का, केवल भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में, ये भौतिक कष्ट ही तो है इस संसार में, हमें तरह तरह के जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदोषण बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां अनेक, इसके अलावा सर्दी गर्मी तूफान बार, ये सब जितने भौतिक कष्ट हैं, इन सब कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं, केवल आप में ही, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अर्जुन कहते हैं आप आदि भगवान हैं, अर्थात सब आपसे ही निकले हैं, सारे देवी देवता सारे अवतार सारी सृष्टियां सब कुछ आपसे, आप आदि भगवान हैं। और भगवान शब्द जो छह ऐश्वर्य जिनमें है, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक वैराग्य, सबसे अधिक यशस्वी, सबसे अधिक त्याग और सबसे अधिक ज्ञान, तो ये आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, केवल इसी संसार में नहीं, सारी संसार सृष्टियों में, असंख्य ब्रह्मांडों में, सब सृष्टियों में आप ही विस्तार, विस्तृत रूप में आपने ही अपना विस्तार कर रखा है, एक्सपेंशन अपने अवतारों के रूप, सब सृष्टियों में आप रहते हैं परमात्मा रूप में, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। इन जितनी जो भौतिक शक्तियां हैं इन सब से आप अलग हैं, आपका स्वरूप, आप कभी इनके प्रभाव में नहीं आते, भौतिक शक्तियां आपको प्रभावित नहीं कर सकते कभी। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है, और आपकी जो दिव्य शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति जिसे योग माया भी कहते हैं, तो आपने उस योग माया के द्वारा भौतिक शक्ति के प्रभाव, जो महामाया के सारे प्रभाव जो हैं, सब तरह के कलेश, उनको दूर भगा दिया है सब तरह। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं, निरंतर मतलब 24 घंटे हर समय शाश्वत आनंद, आपके आनंद कभी किसी भी परिस्थिति में आपका आनंद से विचलित नहीं होते इस अवस्था से, इसलिए उनका एक नाम आत्मा नाम भी, अपने आत्मा में ही रमन करते, क्योंकि वो किसी भी अन्य अपनी पहचान किसी अन्य वो नहीं करते, जैसे हम लोग शरीर से पहचान करते हैं, भगवान का तो दिव्य शरीर ही आध्यात्मिक है, तो इसलिए वो निरंतर आनंद में रहते हैं, भौतिक जगत से उनका कोई स्वार्थ नहीं है कोई किसी तरह का। और दिव्य ज्ञान में, उस दिव्य ज्ञान में स्थित आप स्थित हैं, दिव्य ज्ञान में कि अपने वास्तविक स्वरूप में, कभी भी उनका उससे पता नहीं होता अपने वास्तविकता से, इसलिए उनका एक नाम क्या है अच्युत, जिनका कभी पता, हम क्या बार बार च्युत हो जाते, गिर जाते हैं अपने वास्तविक आत्मज्ञान से, भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा का भगवान कृष्ण का अंश हूं, ये बात ही भूल जाती है, और परिणाम क्या करता हूं, जब ये बात भूल जाता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं अमेरिका का रहने वाला हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं मुंबई का, बार बार शरीरों से अपनी पहचान शुरू कर देते हैं, जब भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं और परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं है, अगर एक शरीर छूटेगा तो अगले वस्त्र मेरे को निश्चित रूप से मिलेंगे, शरीर रूपी वस्त्र, मेरे अपने किए कर्मों के अनुसार जैसा मैंने कर्म किए होंगे वैसा शरीर मिलेगा, अगर आपने भक्ति पूर्ण कर ली तो आपको आध्यात्मिक दिव्य शरीर मिलेगा भगवान के धाम में गोलोक धाम के अंदर, और भक्ति पूर्ण नहीं की होगी तो आपको फिर अवसर मिलेगा किसी ब्राह्मण वैष्णव या किसी धनाढ्य परिवार में भक्ति करने का, बची हुई भक्ति पूर्ण करने का, और अगर पाप कर्म किए होंगे तो उसका दंड फिर भोगना पड़ेगा,
पुण्य कर्म किए होंगे तो स्वर्ग लोग या ब्रह्म लोग मिल जाएंगे, फिर गिरना पड़ेगा वहां से। लेकिन निष्काम भक्ति की होगी तो भगवान का धाम मिलेगा, जहां से फिर कभी भगवान गीता में कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, एक बार कोई भक्ति पूर्ण करके, मेरी निष्काम भक्ति करके एक बार मेरे धाम में प्रवेश कर जाए, गोलोक वृंदावन धाम में या वैकुंठ लोकों में, तो ना निवर्तन्ते, कभी इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं होता। और भगवान अपने उस दिव्य ज्ञान में निरंतर स्थित रहते हैं, वो कभी भी हमारी तरह से शरीरों के भौतिक में इस समय फंसते नहीं है, परिवार न्याय में मैं मेरे के मोह के अंदर हम इसमें फंस जाते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इतनी बड़ी भगवान ने लीला करने के लिए द्वारिका बसाई, वहां पे 16,108 रानियों के साथ वहां पे निवास किया अलग अलग महलों में, लेकिन जब लीला पूर्ण करनी थी तो परिणाम सारी द्वारिका को डुबो दिया, लेकिन भगवान की आंख में एक भी आंसू नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में आत्मा राम है, अपने शाश्वत आनंद में स्थित है, उन्हें आनंद के लिए कोई स्त्रियां नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो अपने भक्तों के भाव को देखकर इतने से रीझ जाते हैं, भक्तों के हृदय के भाव को देखकर। अगर भक्त भाव से उन्हें भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं, अन्यथा वो हमारे भोगों के भूखे नहीं है। दुर्योधन ने क्या किया, 56 भोग लगाए उनके लिए बनाए, लेकिन भगवान ने नहीं खाए है, क्योंकि दुर्योधन का भाव नहीं है, दुष्ट है वो प्रकृति का, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा था कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे मुझ पे तो कुरुक्षेत्र के उस महाभारत के युद्ध में उनसे सहयोग मांगूंगा, लेकिन भगवान ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरे 56 भोग अपने पास रख। भीष्म पितामह ने कहा मेरे यहाँ आ जाइए, मेरे यहाँ प्रसाद ले लिए, दोपहर का समय हो रहा है, मध्यान्ह का समय। भगवान ने कहा नहीं। तो पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, आप कहीं तो को लेंगे मध्यान्ह का भोजन करेंगे। कहते हाँ, मेरा भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास जाऊं। कहते कौन है, पितामह जी ने पूछा। कहते विदुर और विदुरानी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे, कहते हैं कि प्रभु धन्य है ये विदुर और विदुरानी जिनके यहाँ आप खुद जाएंगे उनके कृपा उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। ये श्रीमद् भागवत का जो हम श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं अध्ययन, इसका मकसद यही है कि हृदय में वो भाव भगवान के प्रति प्रेम भक्ति अंकुरित होकर वो जागे, और ये लता अंकुरित होकर अगर हम इसको अपराधों से पाप कर्मों से बचाते हुए बचाएंगे और निरंतर नाम जप के द्वारा इसको हम समय समय पे इसका पूरा ध्यान रखेंगे सावधानी से, तो ये भक्ति इस ब्रह्मांड का भेदन करके वैकुंठ लोकों को पार करते हुए गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों से जब जाके लिपट जाएगी ना, तो भक्ति पूर्ण होगी, ये भक्ति रूपी लता। तो इसलिए विचार करना चाहिए हमारे पास कितना समय जीवन का और बचा है और कितना रास्ता भी तय करना बाकी है, और भगवान के शुद्ध भक्तों के बिना मार्गदर्शन के अपने आप से कितना भी हाथ पैर मारिए इस भाव सागर को पार ही नहीं कर पाएंगे। भव सिंधु एक नदी को पार करना मुश्किल हो जाता है, और ये तो संसार रूपी सागर के अंदर इस भाव सागर को तो पार करना तब तक कठिन है जब तक भगवान के चरण कमलों के शरणागत ना हुआ जाए, और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति के लिए पहले भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की शरणागत ना हुआ। शुद्ध भक्तों की शरणागति लेंगे तो वो भगवान कृष्ण के चरणों की शरणागति लेना सिखाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं छोड़ो भगवान कृष्ण को, केवल मेरे ही भक्त बन जाओ, बस मेरी ही वो करो पूजन, ना। वो कृष्ण की भगवान कृष्ण के चरणों में शरणागत कैसे हुआ जाए, कदम कदम पे हमें मार्गदर्शन देके सिखाएंगे। 24 घंटे में कहाँ कहाँ कमियां दोष रह रहे हैं जिस कारण से मेरी भक्ति में उन्नति नहीं हो रही। तो यहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं।
आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया। अर्थात आध्यात्मिक शक्ति जो है इस भौतिक शक्ति से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। खाली शब्द शक्ति नहीं है, उसका ऐसा प्रभाव है जिसके लिए एक समझाने के लिए बात भी कही है भागवत में इस बात को कि जैसे किसी व्यक्ति की परछाई होती है, रोशनी पड़ती है तो परछाई आती है, तो परछाई क्या उस व्यक्ति के बराबर ताकतवर होगी? फिर नहीं। उत्तर है ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण की जो आध्यात्मिक शक्ति योग माया है उसकी एक तरह से प्रतिबिंब परछाई है ये महामाया, जिसको दुर्गा देवी के रूप में या नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। तो सोचिए योग माया क्या होंगी, योग माया कैसी शक्तिशाली होगी जिसे हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे इस बात को। इस उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति की परछाई का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता परछाई का, ऐसे ही महामाया पूरी तरह से योग माया पर आश्रित है। जो योग माया आध्यात्मिक जगत का सारा संचालन देखती है उनकी परछाई प्रतिबिंब जैसा मात्र है ये योग महामाया जो इस भौतिक जगत। जब महामाया इतनी शक्तिशाली है कि सारे इस ब्रह्मांड के हम सब जितने कैदी हैं उस पर जेलर के रूप में कार्य कर रही, कंट्रोल सर कर रही है इस जेल को, तो सोचिए योग माया क्या होगी। तो भगवान कृष्ण जब भी लीलाएं करते हैं योग माया का सहयोग लेते हैं उसके लिए। तो यहां पर यही बात वर्णन है कि भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है आपकी अध्यात्म आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से पड़े हैं परे हैं, अर्थात ये भौतिक शक्ति जो है माया इसके कार्य क्षेत्र में आप इससे नहीं आते, ये माया कभी भी आपको किसी तरह से प्रभावित या विचलित नहीं कर सकती, आप इससे परे हैं। जैसे कठपुतलियों को नचाने वाला जब नचाता है डोरी से तो वो कठपुतलियां उस नचाने वाले को अपने प्रभाव में नहीं दे सकती है, उसको नचाएंगे वो कठपुतलियां। ठीक ऐसे ही ये महामाया भगवान कृष्ण को नहीं नचा सकती है, उन भगवान इससे परे हैं अर्जुन जी का। फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चार सिद्धांतों का पालन करते हैं। धर्म के जो चार सिद्धांत हैं आप उसका बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए खुद पालन करते हैं, सत्य है, दया है, दान है, पवित्रता है, आप खुद आचरण करके दिखाते हैं संसार में आकर इन सबको पालन करके, और सिखाते हैं हम बद्ध जीवों को, हम मूर्ख जीवों को कि देखो ऐसा आचरण करना सीखो समाज में रहते हुए जब तक मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, और इसी जीवन में तुम इस कष्टों से जन्म मरण के चक्र से छूट जाओ आचरण करके धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हो। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने और अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि आप अवतरित क्यों होते हैं, धरती पे अवतार क्यों लेते हैं, अवतरित मतलब अपने गोलोक धाम से धरती पे क्यों आते हैं, आप संसार का भार हटाने के लिए, संसार का भार हटाने को। तो कई बार खुद आते हैं, कभी अपने अवतारों को भेजते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं प्रतिनिधि के रूप में मार्गदर्शन देने के लिए, या फिर कई बार महामारी फैला देते हैं इस तरह से धरती का भार कम करने के लिए अधर्मी लोगों का, या फिर कई बार देशों की सेनाओं को इतना बढ़ा देते हैं कि खुद ही लड़के मर जाते हैं, जैसे पहला और दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है और अब ये फिर अज्ञानतावश तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, देश सेनाएं बड़ा बड़ा कर। तो अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले, जो आपके ध्यान में लीन रहते हैं,
आपके अनन्य भक्त जो अन्य किसी को नहीं जानते आपके अलावा, हे श्री कृष्ण, ऐसे आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए और अपनी लीलाओं के द्वारा उनको आनंद देने के लिए और शिक्षित उनको मार्गदर्शन देने के लिए, मैं अपने धाम में देखो कैसे लीला करता हूं, तो मेरी लीलाओं का चिंतन श्रवण अध्ययन करके इसके द्वारा तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करते हुए, मेरे नामों का कीर्तन करते हुए सारा कल्मश अपने मन का दो, इन भौतिक भोग की इच्छा को त्याग कर तुम केवल मेरी सेवा के निमित्त, जब हृदय में भाव जाग जाएगा ना कि कुबेर को अपने 24 घंटे के कार्य केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर, उसी समय धाम में जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, मुझे भगवान की सेवा के अलावा और भी बहुत कुछ इंद्रियों की मन की सेवा करने की इच्छा रहती है। जो मन मांगे उसको भोग दे दो, जो इंद्रियां मांगे उसको भोग दे दो। इस कारण से ये रास्ता पूरा तय नहीं हो पा रहा। 24 घंटे में कई बार हम इंद्रियों और मन की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, कि उसमें कहीं भी कृष्ण नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं वो कार्य, व्यर्थ की चर्चाएं करें, लोगों से रिश्ते बनाने के लिए व्यर्थ की बातें करें घंटों घंटों पर बैठ, और परिणाम उसी में ही हम भगवान के विमुख होकर और समय लगे, इसलिए कई कई जन्म, इसलिए शास्त्र कहते हैं कई कई जन्म लगे, जानबूझकर हम समय नष्ट करते हैं, इस तरह से मन को देते हैं और फिर मन वही व्यर्थ का चिंतन करता है, नाम जपने लगता है। अच्छा वो आई थी, मैंने उससे ये बात की, यह आया था उस समय, वो वही सब दिमाग घूमता रहता है, बेकार की बात, व्यर्थ की बात, शरीर और शरीर से संबंधित मैं और मेरे, तू और तेरा, इसी समय जैसे गुरु महाराज कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा, इसी कारण से ये खटका है कि निकलना नहीं हो रहा इस भवसागर जन्म के चक्र से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों हरे कृष्णा। हाँ जी, वो म्यूट हो गया था। आगे यहाँ पर वर्णन है कि हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, अर्थात इतना ज्यादा प्रकाश था अर्जुन भी समझ नहीं पाएगी प्रकाश आया कहां से, मतलब सूर्य तो कुछ भी नहीं, सूर्य से कई गुना ज्यादा प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया, जिसमें आंखें खुली रखनी मुश्किल हो रही, खोल पाने अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे आखिर ये प्रकाश प्रकट कहां से हो गया। अर्जुन को भी नहीं पता कि ये ब्रह्मास्त्र चला दिया है अश्वत्थामा, तो भगवान कृष्ण से ही ये जिज्ञासा कर रहे हैं जानने के लिए कि ये इतना घातक, जो मतलब एक तरह से आंखों को ही बिल्कुल अंधा कर दे, ऐसा घातक तेज ये कैसा है चारों तरफ फैलने वाला, यह कहां से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अर्जुन को भी आता था ब्रह्मास्त्र चलाना और उन्हें लौटाना भी आता था, लेकिन कभी मालूम नहीं ना कि ब्रह्मास्त्र को व्यवहारिक रूप में चलाया तो है नहीं, तो वो समझ नहीं पा रहे। तो भगवान कृष्ण से प्रश्न किया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। भगवान सब जानने वाले हैं श्री कृष्ण जो है, लेकिन हम ही कृष्ण को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भगवान कृष्ण को छोड़कर जगह जगह लोगों के तलवे चाट, लोगों से गिड़गिड़ाएंगे, लोगों से वो करेंगे गुहार, लेकिन कृष्ण क्या है उसको समझना जानना है। वो सब जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वर्तमान भविष्य भूतकाल पहले बीता, वो सब पता है उन्हें, और हमें इन कष्टों से क्षण भर में हमें मुक्त कर सकते हैं एक क्षण में, लेकिन हम पूर्ण समर्पित तो हों, निरंतर केवल उन्हीं के प्रति समर्पित तो हो मन वाणी कर्म से, इसी का अभ्यास है ये भक्ति मार्ग। मन वाणी कर्म को निरंतर भगवान कृष्ण की ही चिंतन में, भगवान कृष्ण की ही संबंधित इच्छा करने में, केवल भगवान कृष्ण का ही नाम और उनकी चर्चा करने में और भगवान कृष्ण के ही
निमित्त सब कार्य करने में इस शरीर से इंद्रियों से लगाना 24 घंटे यही अभ्यास में ही समय लग रहा है या बीच बीच में जानबूझकर फिर इंद्रियों को मन को फिर कहीं ना कहीं इधर व्यर्थ में लगाते उसी से समय में देर हो रही है विलंब हो रहा भगवान से मिलने के लिए। कितने उदाहरण है इस कलयुग में जिन भक्तों ने कितनी छोटी अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया उनका साक्षात्कार कर लिया। एकनाथ महाराज छोटे से बालक थे तभी उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया लगभग 5 साल के होंगे। ऐसे ही मीरा जी ने जब 13 साल की थी तभी पहली बार भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर लिया था। फिर तो कितनी बार उनको दर्शन होते थे एकनाथ महाराज को और मीरा जी को ऐसे अन्य भक्तों। तो इसलिए मन वाणी कर्म से निरंतर लगने की प्रैक्टिस सीरियसली गंभीरता से करनी पड़ेगी सावधानी से। उसने आणविक शस्त्र भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को उस अश्वत्थामा ने आणविक शस्त्र के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। ये ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया अपने जान बचाने के लिए और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को जो उससे दिव्य ऐसा प्रकाश निकल रहा है जो तेज उस चौंध को कैसे लौटाया जाए। अब इसको वापस कैसे लौटाए उसे समझ नहीं आ रहा। उसने निर उपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया। उसने जब देखा कि अब अर्जुन के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी तो परिणाम तब उसने अपने रक्षा के ऐसा किया है भगवान कृष्ण का। हे अर्जुन केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। अब कोई दूसरा अगर ब्रह्मास्त्र छोड़े तो वह इस ब्रह्मास्त्र को काट सकता है निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। श्री सूत गोस्वामी ने कहा भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देखिए कैसे भगवान के प्रति श्रद्धालु है अर्जुन कि पहले जल का स्पर्श करके परिक्रमा की भगवान कृष्ण की। भक्त ऐसा करता है कभी भी कोई कष्ट आता है वो भगवान कृष्ण को ही याद करता है उन्हीं की ही प्रार्थना करेगा उन्हीं की परिक्रमा करके फिर उसने अस्त्र छोड़ा। ऐसे नहीं मूर्ख उस अश्वत्थामा की तरह नहीं। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र से समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। केवल बाहर का अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि सारे जो लोक हैं समस्त लोक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं और इसके अलावा कितने ग्रह उपग्रह सब सबको एकदम वो दोनों जब आपस में टकराए ब्रह्मास्त्र ऐसा एक प्रकाश का गोला निकला जिससे पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। ऐसा सारे गगन मंडल को आवृत कर दिया ढक दिया। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। ऐसी अग्नि निकली उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने पर। परिणाम में तीनों लोक मतलब इस मृत्यु लोक के भी इस धरती के नीचे तक पाताल लोक के भी और स्वर्ग लोक जो है इन सब के जितने भी जो लोग हैं इनमें रहने वाले सब जल भुन गए। सारे उनके शरीर जलने लगे जैसे किसी चीज को जला देते हैं भुना देते हैं ऐसे सभी लोगों को उस सामवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ। लोगों को किसी को पता नहीं चला ये हुआ क्या लेकिन ऐसा लगा जैसे प्रलय के समय जो अग्नि जलती है सारे संसार को जलाती है उसको संवर्तक जैसे संवर्तक जो होती है वो अग्नि याद आ गई प्रलय के समय की अग्नि याद आ गई सभी लोगों तीनों लोगों के जो प्रलय के समय लगती है संवर्तक। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। देखा कि सारी सृष्टि सारे ग्रह ये सब नष्ट हो जाएंगे तो
तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान कृष्ण की इच्छा देखी कि सृष्टि को तो बचाना है वह, तो परिणाम उन्हें जल्दी से उनका दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया अर्जुन जी ने। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया, और उसे पशु की तरह बांध दिया रस्सियों से। अर्जुन जी ने बड़ी दक्षता पूर्वक अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था, अपनी जहां पांडवों ने जहां पर पड़ाव डाला हुआ था वहां ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा रहा क्योंकि ब्राह्मण ऐसे गलत निर्णय नहीं लेता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसा करे, इसलिए उसको ब्रह्म बंधु का प्रयोग किया गया है अश्वत्थामा के लिए, ब्राह्मण के पुत्र के रूप में। ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ इसको, क्योंकि अर्जुन ने संकल्प किया था मैं इसको सिर काट दूंगा इसका और वो शीश लेके जाऊंगा, लेकिन अभी अर्जुन बांध कर ले जाना चाह रहा है क्योंकि अर्जुन के मन में दया आ रही है कि मेरा गुरु का पुत्र है अब, तो इस कारण से तो भगवान कृष्ण जो है क्रुद्ध होकर उसको अर्जुन को कहने लगे कि तुम इस पे दया मत दिखाओ, इसके जिसने जो जघन्य पाप किया है तुम इसको छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है, जो निर्दोष है उन बालकों का वध किया। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो, ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। यहां भगवान कृष्ण बता रहे हैं धर्म किसे, धर्म का आचरण कैसा होता है, अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन गलत जगह पे दया दिखा रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यहां तुम गलत हो, यहां पे दया मत दिखाओ इसके ऊपर, इस पापी पे, क्योंकि वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता, कोई भी शत्रु, ऐसे शत्रु जो असावधान हो, जो सावधान नहीं है, या जिसके हाथ में अभी शस्त्र नहीं है और आप उसमें शस्त्र से प्रहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, और नशे में कोई दुत है उसको भी नहीं मारता, उस पर प्रहार करता शत्रु, अगर कोई पागल है उस पर भी नहीं करता पागल पे, या कोई सोया हुआ है सोए हुए प्रहार नहीं किया जाता, कोई डरा हुआ है डरे हुए व्यक्ति पे प्रहार नहीं करता, या जो रथ विहीन है, आप रथ पे हैं और सामने वाला रथ पे नहीं है, जमीन पे है, तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता रथ से, और ना ही किसी बालक पर प्रहार करना चाहिए, हत्या करनी चाहिए बालक कैसे वध करने के लिए, ना किसी स्त्री का वध करना चाहिए और ना किसी मूर्ख प्राणी का, तो वो मूर्ख है उसकी समझ ही नहीं, अगर वो कोई मूर्खता कर रहा है, और शरणागत, कोई शरणागति ले ले उसका वध नहीं करना चाहिए। जैसे वर्णनादर पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसको मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, इसीलिए कि वो पैर पकड़ लेता चालाकी से, उनके चरण पकड़ लेता वो छोड़ देते, लेकिन 18वीं बार जब उनको उसने चालाकी से पराजित किया उन्हीं के अंदर के किसी व्यक्ति से मिलकर, तो परिणाम में उस दुष्ट ने नहीं छोड़ा, उनका वध कर दिया। लेकिन आज कलयुग के अंदर तो सब ये धर्म के सिद्धांत खत्म किए हैं, पहले होता था सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही लड़ाई होती थी, आज लड़ाई शुरू ही ज्यादातर रात्रि में होती है, रात में ही लड़ते हैं एक दूसरे पे प्रहार करते हैं अंधेरे के अंदर छुप कर। सोचिए कितना परिवर्तन, धर्म का ह्रास पतन हुआ है आज के समय के अंदर। तो यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये इसको तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोए हुए व्यक्तियों का वध किया बालकों का, और वो भी निर्दोष, ऐसा क्रूर, और वो कोई क्रूर या दुष्ट व्यक्ति ही कर सकता है, और आज लगभग लोगों के ऐसे मन हो गए हैं क्रूर और दुष्ट स्वभाव के, जो इस तरह से ये रात्रि में युद्ध करना, अनजाने में छिप के प्रहार करना किसी के ऊपर, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, दूसरों के प्राणों की बलि मतलब दुर्योधन के टुकड़ों पर पल रहा है,
कहने को ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है लेकिन आचरण ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण किसी पे आश्रित, किसी की दया पे आश्रित नहीं रहता, वो अपने ही उस वैदिक ज्ञान के आधार पर उस पे जीवन जीता है। उसकी पूंजी क्या है? ब्राह्मण की पूंजी है संयम, सदाचार, सत्य निष्ठा, सत्य भाषण करना, धर्म का आचरण करना, ये वास्तव में उसकी संपत्ति है ब्राह्मण की, ना कि संपत्ति किसी के दो टाइम की रोटी के लिए किसी के तलवे चाटना या किसी के आगे गिड़गिड़ाना, ये ब्राह्मण का कार्य नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो है ये इसने दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, दूसरों के उस पर पल रहा है टुकड़ों, और कितना क्रूर और दुष्ट है कि निर्दोष सोए हुए बालकों का वध किया इसने। उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, ये इसके ही भले के लिए। अगर तुम इसको अर्जुन मार भी दोगे ना अश्वत्थामा को, इसकी भलाई है। क्या भलाई है? इसे आगे फिर सजा कम भोगनी पड़ेगी नरकों में जाकर, यही इसको अगर तुम दंडित कर दोगे, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है, नहीं तो फिर अपने कर्मों से भोगना तो पड़ेगा इसको। इसलिए अगर जजेस जो है किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो ये जज को दोष नहीं लगता अगर सही निर्णय बोल दे रहे हैं, परिणाम उसे आगे फिर कष्ट कम भोगना पड़ेगा, इसलिए फांसी की सजा का प्रावधान किया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सजा नहीं दोगे तो इसे आगे जाके काफी बहुत इसको इसके परिणाम में अधोगति, इसका पतन हो जाएगा, इसके कारण से नरकों में इसे दंड भोगना पड़ेगा परिणाम। जैसे यहां प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा, अगले जन्म में फिर इसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा अगर यही उसको दंड मिल जाएगा। तो इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है, भगवान याद दिला रहे हैं उसको जो गलत जगह वो दया दिखा रहा है अर्जुन, तो भगवान जानबूझ के उसको धर्म के प्रति जागृत हो, वो चले धर्म का आचरण करे, इसलिए उसको इस तरह से बात कर रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं कि मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आततायी है, टेररिस्ट है, आततायी है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, अर्थात दुर्योधन को भी असंतुष्ट किया। दुर्योधन इसकी इस हरकत से खुश नहीं हुआ, वो भी नाराज हुआ। वह अपने कुल की राख कुलंगार है, अपने कुल पे एक तरह का कलंक है ये अपने कुल पे, तुम तत्काल इसका वध कर दो। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं देखिए कि इसका वध कर दो, तत्काल वध कर दो इसका, और विलंब मत करो इसके वध में। तो ये सब वर्णन हमें बता रहा है कि भगवान तक पहुंचने के लिए पहले धर्म का आचरण हमें सीखना पड़ेगा, किस तरह से हम धर्म का आचरण करें। जब इस धर्म के अनुसार पहले पता तो चले वास्तव में धर्म है क्या, अधर्म क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, परिवार में, समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए, हम कई बार निर्णय करने में चूक कर जाते हैं, धर्म क्या अधर्म क्या यही नहीं समझ पाते, हम अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझ बैठते हैं। इसी का परिणाम कितने लोग तो ऐसे ही बैठ गए, उन्हें यही नहीं पता चल पा रहा कि वास्तव में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। सही निर्णय धर्म के बारे में ना ले पाने के कारण से वो अज्ञानतावश अपने जीवन, मनुष्य जीवन को गंवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ऐसे समय नष्ट करो, कोई संसारिकता के अंदर और कोई भगवान भगवान की भक्ति के मार्ग के नाम से, भगवान के नाम से, भगवान के नाम से भी कितने असंख्य लोग भटक रहे हैं। सही मार्गदर्शन दिशा ना होने के कारण, समझ होने के कारण केवल मनमुख होके चल रहे हैं। जैसे बंगाल में एक हुए रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने एक शब्द कहे जत मत तत पथ, जैसा जिसका मन चाहता है वैसे पथ को उसे अपनाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे ये ठीक नहीं है, ये भले ही उनके पास में माता की सिद्धि थी उनके पास में, लेकिन ये जो है अपने मन, अरे मन तो शुद्ध है ही नहीं कलयुग के अंदर,
अगर आप मन के अनुसार चलेंगे तो उसी का परिणाम है सारे संसार में, जो संसार के अंदर लोग मन मर्जियां कर रहे हैं और तरह तरह से मांसाहार मदिरा पान ये सब क्यों, क्योंकि मन को अच्छा लगता है। किसे पूछो आप ऐसा क्यों करते हैं, मेरे मन मन कहता है मेरे मन को अच्छा, और मन के कहने पे पाप कर्म कर रहे हैं, मांसाहार मदिरा पान कर रहे हैं बुरे का, और फिर जब इसका दंड भोगना पड़ता है तो फिर रो रहे हैं बस भाग इधर, फिर सरकारों को दोष दे रहे हैं, कभी सरकार को दोष देते हैं वो कभी किसी और को दोष देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरे ही अपने कर्मों का दंड है, ये किसी और के कर्मों की सजा नहीं है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अपने कर्मों का ये परिणाम है, हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अगर कोई अपने कष्टों के लिए किसी दूसरे को दोष देता है ना, इसका मतलब वो ना समझ है, उसको समझना ही है। हमारे जीवन में जो भी जैसी भी परिस्थिति है, जैसा भी है शरीर मिला है, जैसा भी बुद्धि मिली है, जैसी भी परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, मेरे खुद के किए हुए अपने ही कर्मों का फल है, अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। लेकिन इन अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठकर मुझे निष्काम भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए, प्रेम भक्ति, जिससे इस अच्छे बुरे के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से, इस से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए और भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा मिल जाए भगवान कृष्ण की, गोलोक वृंदावन धाम। इसलिए मन को निरंतर नाम में लगाना चाहिए, जैसे गुरु महाराज एक पंक्तियों में कहते हैं, मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, मन ले हरि गुण का, जिनकी कृपा से अहिल्या तर गई, भव सागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, जिनकी कृपा से अमर भई नीरा, नाम उजागर कर गई नीरा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो श्याम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। तो गुरु महाराज ये भजन की पंक्तियों में कि मन को इस तरह से हरि गुण में, भगवान के नामों के गुणगान करने, कीर्तन करने में, जप करने में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर कथा थी और बहुत सुंदर भजन, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अपना ऑडियो अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, जब मैं लगाना चाहिए, बट होता क्या है कि हम हमारा मन भटकता, हमारा मन लगता नहीं है, तब भी अगर हम उसे फोर्सफुली लगा रहे हैं तो क्या वो ठीक है? इसका उदाहरण एक हमने गुरु महाराज से सुना है, जैसे आप आवाज गूंज रही है, आप या तो उसको म्यूट कर दीजिए अपना सुनने के लिए, क्योंकि आवाज हो रही है। हाँ अब ठीक है। तो गुरु महाराज ने एक बात कही है कि आप अगर जानकर आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, लेकिन अगर अनजाने में हाथ डालते हैं तो क्या हाथ नहीं जलेगा?
तब भी जलेगा। मतलब इस भगवान के नाम ने ऐसे ही असर करना है जैसे अग्नि ने, चाहे आप जानकर चाहे अनजाने में हाथ डालें आग। तो आप चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, मन का भगवान में लग जाना जो है ना, ये समाधि की अवस्था है जो आखिरी स्टेज है भक्ति की। तो अभी हम शुरुआत में हैं, तो हमें बार बार अभ्यास करना है। मन फिर भोगों में जाएगा या संसारी की बातों विचारों में, बार बार उन शब्दों को सुनने में लगाना है, जिसे कह सकते हैं साउंड मेडिटेशन। मुंह से हरे कृष्ण मंत्र बोलना और कानों से सुनना ध्यान पूर्वक उस जीभ से जो शब्द निकल रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण।